मैं हुसैन सुल्तान रणभूमि न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। थाने कांग्रेस कमेटी की ओर से मुमरा के अमृत नगर के शादी महल हॉल में फ्री मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया था। इस मेडिकल कैंप में ECG, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, आई टेस्टिंग समेत अन्य चेकअप फ्री रखे गए थे। मुमरा शहर के लोगों ने काफ़ी लाभ भी उठाया। इस मौके पर थाने कांग्रेस कमेटी के थाना अध्यक्ष विक्रांत चौहान, कांग्रेस के सीनियर लीडर अशरफ मुल्लानी समेत सभी पदाधिकारी यहां पे उपस्थित रहे। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि मुमरा शहर में जो महंगे महंगे चेकअप हो रहे हैं, जिसको देखते हुए लोगों की आर्थिक स्थिति भी काफ़ी ख़राब हो रही है, इसी को देखते हुए जगह जगह इस तरीके के कैंप का आयोजन किया जा रहा है। वहीं पर कांग्रेस के थाने महासचिव यासिन मोमिन की ओर से शादी महल हॉल में फ्री मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें तकरीबन 100 से ज़्यादा लोगों ने इसका लाभ उठाया। इस मौके पर हमने थाना कांग्रेस कमेटी के थाने अध्यक्ष विक्रांत चौहान से बात की, वहीं पे कांग्रेस के सीनियर लीडर अशरफ मुल्लानी से बात की, वहीं पे इस कैंप को रखने का क्या मकसद है, उसी ताल्लुक से हमने यासिन मोमिन से भी बात की है। क्या कहा इस कैंप को लेकर सभी लोगों ने, आइए जानते हैं हमारी इस खबर में। इसी तरह की और भी खबरें जानने के लिए देखते रहिए रणभूमि न्यूज़। मैं हुसैन सुल्तान रणभूमि न्यूज़ से अलविदा लेता हूं, फिर एक नई खबर के साथ मैं हाजिर हूँगा। सर, क्या कहेंगे आज यहां पे शादी महल हॉल में मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया? यहाँ पे हमारे ब्लॉक के प्रेसिडेंट नीलेश पाटिल, हमारे जनरल सेक्रेटरी यासिन मोमिन, हमारे सेल के प्रेसिडेंट कांग्रेस सेल के डॉक्टर जयेश परमार और हमारे जो मेंबर है महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के इस ब्लॉक के, हमारे बड़े भाई नाना कदम, इन्होंने मिलकर ये मेडिकल कैंप अरेंज किया है। सभी कार्यकर्ता ब्लॉक के यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं, जिन्होंने हॉल दिया है उनका ही हम शुक्रिया अदा करते हैं। और मैंने अभी यही सलाह दी सभी कार्यकर्ताओं को कि लोगों के दिलों में जाकर बसो, लोगों के लिए काम करो तो कांग्रेस बढ़ेगी। और मैं इन सभी का यहाँ पे कांग्रेस की तरफ से आभार प्रदर्शन करता हूँ कि इन्होंने यहाँ पे एक अच्छा मेडिकल कैंप ऑर्गेनाइज़ किया। इस तरीके से मुमरा शहर में जो चेकअप को लेकर, महंगे टेस्ट को लेकर जो किया जा रहा है, इस तरीके के कैंप होने चाहिए जो फ्री में? देखिए, हमारे पास करीबन 2-2.5 लाख की दवाई पड़ी है, हमें डोनेशन में मिली है। मैंने अभी अशरफ भाई से बात की कि ये दवाई है, मैं यहाँ पे भेज दूँगा। हाँ, जमात इस्लाम करके है, इस्लामी यहाँ पे एरिया है, वहाँ पे स्कूल है, तो वहाँ पे मेडिकल कैंप्स लगाइए। हमारे राजा मिश्रा करके है, हमारे नेत्रालय के, श्री कृष्ण नेत्रालय जो थाना का है, हाँ, रामकृष्ण नेत्रालय, ये मेरा दोस्त है, मेडिकल कैंप्स लगाते हैं, फ्री कैंप्स लगाते हैं। तो बहुत सारे लोग हैं, डॉक्टर साहब ने कोविड में भी बहुत मदद की है कांग्रेस को, बहुत कैंप्स अरेंज किए यहाँ पे मुमरा में, सब जगह हम कैंप्स लगाएंगे कांग्रेस के लिए। मेडिकल कैंप तो अमूमन करते ही है लोग, कभी ब्लड के चेकअप का होता है, कभी आइज़ के लिए होता है, और अक्सर लोग जो है हमारे यहाँ अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपनी सेहत को निगलेक्ट करते हैं। उनको प्रेसिंग काम जो दूसरे होते हैं और हर ज़रूरत की चीज़ें तीसरी चौथी होती है, तो हमारे घर के जो लोग होते हैं, ख़ासतौर से सीनियर, हमारे घर की जो माँ बहनें होती है, हमारे जो बुज़ुर्ग होते हैं, वो अपनी तकलीफ़ को दबा के रखते हैं। करेंगे चेकअप, करेंगे, देखेंगे, और डॉक्टर्स भी यहाँ के जो है वो फास्ट ट्रीटमेंट में ज़्यादा चेकअप वगैरह लिखवाते नहीं हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि चेकअप लिखाएंगे तो ये इनको तो दवा चाहिए फौरन। तो ये जो कैंप वगैरह होते हैं, इससे लोगों को पता चल जाता है कि भाई उनकी कंडीशन क्या है। ECG से हार्ट का स्टेट पता चल जाता है, और ब्लड चेकअप से भी कोलेस्ट्रॉल और दीगर चीज़ें हैं, क्रिएटिन लेवल क्या है, पोटेशियम लेवल क्या है, सोडियम कितना है बॉडी में, तो सारी चीज़ का पता चलता है। अच्छा है ना ये रेगुलर से। मुमरा शहर में मिडिल क्लास के लोग रहते हैं, और किस तरीके से शहर में खास करके पैथोलॉजी में, डायग्नोस्टिक में महंगे महंगे टेस्ट है, तो इस तरीके के कैंप शहर के लिए कितने ज़रूरी? देखिए, कैंप तो रेगुलर होते रहना चाहिए। उसकी मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, ये मेरे बहुत सारे डॉक्टर फ्रेंड नाराज़ हो जाएंगे। हाँ, कि ऐसा है कि चैरिटेबल डायग्नोस्टिक सेंटर चलते नहीं, क्योंकि फिर वाकई रिपोर्ट डॉक्टर्स को नहीं चाहिए, वो लोग अवॉइड करते, वहाँ जाने नहीं देते।
तो अभी आपको और मेरे को सबको एक हिडन बात पता है कि क्या चलता है, व्हाट इज़ द सिस्टम वर्किंग बिटवीन। तो कम से कम इस तरीके से हो जाता है, इसमें कुछ लोगों को पता तो चलता है कि क्या है उनकी कंडीशन है। कितने लोग हैं यूँ झाका झाका देखते हैं लेकिन नंबर नहीं निकालते। आई कैम्प हम लोग जब 31 साल पहले यूथ कांग्रेस में काम करते थे तभी हम लोग यूथ आई कैम्प ब्लड कैम्प ब्लड डोनेशन कैम्प ये सब रखते थे और आज तक के ये चीज़ की ज़रूरत है हमारे इलाके में और हमारे कंट्री में। अफसोस की बात है लेकिन है, ज़रूरत है। ये असीम भाई यहाँ पे जो मेडिकल कैंप आयोजन किया गया है, कौन कौन सा टेस्ट है और कितना लाभ इस शहर के लोगों को मिल रही है, इस तरीके के कैंप है? अल्हम्दुलिल्लाह आज जो हमारा कैंप लगा है उसमें ब्लड चेकअप की हम लोग ने सहूलत रखे फ्री में, ब्लड प्रेशर और बेसिक जांच तो फ्री चल रही है और साथ ही साथ ECG भी फ्री करवा रहे और चश्मे का चेकअप है, चश्मे भी फ्री में बट रहे। माशाल्लाह जितना हमसे हो सकता है हम लोग कोशिश कर रहे हैं यहाँ के लोगों की फ्री में जितना भी हो सकता है उनकी सहूलत के मुताबिक हम लोग उनके लिए कुछ दे और हम दे भी पा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप भी देख रहे हैं काफ़ी यहाँ पे लोग जमा है और फ़ायदा उठा रहे भाई। कितने लोग अभी तक इसका लाभ उठाए? अभी तक तो 100 के ऊपर निकल चुके हैं और अभी भी आप देख रहे हो कि काफ़ी भीड़ है, तो देखो अंदाज है कि 300-400 के करीब लोग तो फ़ायदा उठा ही लेंगे आज इंशाल्लाह। जैसे कि बताया आपने आई टेस्ट है, अगर आई टेस्ट के दौरान अगर कोई शिकायत होती है उसके लिए क्या? उसके लिए हम लोग अभी एक रिकॉर्ड बना रहे हैं, अगर डॉक्टर हम लोग स्पेशली रजिस्टर में साइड में दे रहे डिटेल, इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हम लोग फ्री में मोतियाबिंद के ऑपरेशन का भी कैंप इसी जगह रखेंगे और जो ऐसे आए हैं डिटेक्ट हो रहे उनको भी हम सामने से कॉल करके बुलाएंगे और जो नहीं आए उनके लिए भी रखेंगे, जिनको करवाना है वो आके करवा लेंगे इंशाल्लाह। एक मिडिल क्लास शहर है और बहुत सारे महंगे महंगे चेकअप है, इस तरीके के कैंप ऐसे और होने चाहिए फ्यूचर में, उसको लेकर क्या? हमारी कांग्रेस पार्टी तो बैठी है काम करने के लिए, हमारी थाने की भी मेडिकल टीम है, डॉक्टर्स एसोसिएशन है कांग्रेस का और जहाँ तक हम लोग से हो सकता है हम तो करते ही रहते हैं भाई और इंशाल्लाह आगे भी करेंगे। पहली बार तो हमारे कैंप होते रहते हैं मेडिकल कैंप उमरा में, हम लोग हमारे ब्लॉक के हिसाब से हमारे दूसरे ब्लॉक के हिसाब से हम लोग करते रहते हैं, आगे भी हम लोग ऐसे कैंप करते रहेंगे जिसकी तरह से जी लोगों के आज जो महंगाई बढ़ रही है और जो चार्जेस बढ़ रहे हैं उनसे भी टेस्ट होने दो, वो टेस्ट के चार्जेस कैसे कम हो जाए और कैसे लोगों को कम में और फ्री में कैसे इलाज हो सके, इसके लिए हमने कैंप रखा है मोमिन भाई ने, हमारे ये हमने थाना जिला के महासचिव हैं, इन्होंने कहा जो कैंप रखे हैं ऐसे ही कैंप आके करते रहेंगे और विक्रांत चौहान हमारे जिला अध्यक्ष है उनके मार्गदर्शन में, अशरफ मुलानी के मार्गदर्शन में हमारे ये कैंप आगे यही और भी कैंप होते रहेंगे जिससे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो सके।